तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो बायजूस घाटे में है, यानी कि लॉस है। उन्होंने अभी जो अपनी बैलेंस शीट शो करी उसमें लगभग 4500 करोड़ से प्लस का लॉस जो उसमें शो हुआ है, ठीक है। तो उस सब चीज़ों का मेरी जॉब में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्या मेरी जॉब में, मतलब मेरी जो सैलरी वो कम हो जाएगी? क्या मेरे वर्किंग आवर्स बढ़ जाएंगे? क्या कंपनी निकाल देगी? क्या कुछ रहने वाला है? वो सारे इम्पैक्ट जो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ गाइस। मेक श्योर कि पूरी वीडियो देख के जाना अगर इंटरेस्ट है इस वाली टॉपिक में तो, और नहीं देखना तो फिर तो गाइस स्टार्टिंग से आप जा सकते हो, ठीक है। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट मैं बात करता हूँ कि जब भी लॉस हो रहा है, सोचो एज अ बिजनेस आप होते, आपका बिजनेस लॉस में जाता, तो उसको लॉस में से हटाने के लिए आप क्या करते हो? ऑब्वियसली तो प्रॉफिटेबल आप दिखाते। अब नहीं भी है तो उससे पहला ऑप्शन ये करते कि मैं हूँ नहीं ना, फिर भी लोगों को ये पता चले कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ। अब सोचो ना कि आपकी कोई दुकान है फर्नीचर वाली, मतलब, और वहाँ पे लोगों ने अफवाह फैला दिया, रियल बात भी है कि आपका फर्नीचर बिक ही नहीं रहा है, एकदम लॉस में चला गया है, तो क्या अभी कस्टमर आपकी दुकान पे आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्या कहेगा यार, तो मतलब बिक नहीं रहा, इसका मतलब बेकार होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, हम खरीदेंगे तो हमें ही प्रॉब्लम होगी। तो इससे बचने के लिए आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करोगे ना कि मार्केट में ऐसी बात फैले कि लोग कहें कि नहीं भाई, इनका जो लॉस था वो रिकवर हो चुका है, अब सामान अच्छी तरीके से बिक रहा है भाई। क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ जो होता है ना गाइस, वो पॉजिटिव भी बहुत तेजी से फैलता है और नेगेटिव उससे 10 गुना ज़्यादा तेजी से फैलता है। सो वही भाई जो सही फिलहाल में करना चाह रही है, ये मतलब कोई इनसाइड में अंदर से नहीं बता रहा हूँ, ये ऑफिशियली आप न्यूज़ वगैरह में हर जगह देख सकते हो कि यहाँ पे बेसिकली क्या है कि कंपनी चाह रही है प्रॉफिटेबल होना। ऑब्वियस सी बात है कि भाई इतना जब तगड़ा लॉस हो चुका है भाई जी उसका, तो कंपनी भी चाह रही है प्रॉफिटेबल होना, यानी कि अगली जो बैलेंस शीट आए 23 की तो उसमें उनको दिखे लॉस बिल्कुल जीरो और प्रॉफिट थोड़ा बहुत, या फिर लॉस कम हो जाए बिल्कुल ना के बराबर, ये उनका इंटेंशन है। तो इसके लिए बेसिकली वो क्या करते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं? अब देखो कंपनी के पास तो पैसा लिमिटेड है, यानी कंपनी ने एनालाइज किया होगा सारी चीज़ें इस तरीके से चल रही है लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, इसका मतलब हमें ना कुछ कॉस्ट कटिंग करनी रहेगी, राइट। तो कॉस्ट कटिंग की न्यूज़ भी आपने सुनी होगी मेरे ख्याल से कि भाई जिसने अभी हाल ही में लगभग 2500 एम्प्लॉयज को जो है निकालने का सोचा है और निकल भी रहे हैं, प्रोसेस में है वो चीज़। और एक आपने न्यूज़ अभी सुनी होगी कि अभी जस्ट लाइक 2-3 दिन पहले की बात आपको बता रहा हूँ कि केरला का एक ऑफिस जो प्रॉपर बंद कर दिया गया है बायजूस की तरफ से प्रॉपर, यानी कि उसमें जितने एम्प्लॉयज थे 175, वो उनको कह दिया गया कि जाओ भाई टाटा बाय बाय, कुछ और देखो अपने लिए। नहीं ये रियल न्यूज़ है, मैंने भी न्यूज़ में ही सुना है, ऐसा नहीं कि भाई जो रविंद्र सर से मेरी कोई पर्सनल बात हुई है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चीज़ें इस तरीके से हैं अब, लेकिन एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि जितने भी लोग अभी जो ले ऑफ हो रहे हैं, फिर जो जा रहे हैं, जो कंपनी उनको अपनी तरफ से कर रही है, वो ज़्यादातर हैं ऑप्स के, यानी कि ऑपरेशंस के, ठीक है। सेल्स में अभी इतना जो उन्होंने अभी नहीं किया है कि वो खुद से आके बोल रहे हैं कि अब जाओ, ठीक है। अब बात ये आती है कि इन सब का मेरी जो जॉब है जो मैं कर रहा हूँ अभी करंटली, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? सोचो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब ऑब्वियसली बात है तो कंपनी ऑप्स को तो निकाल सकती है, क्योंकि लगे मतलब जो 4 लोगों के ऑप्स का काम है, बंदा 2 या बंदे या एक बंदा कर सकता है, टाइम थोड़ा ज़्यादा उसको हम दे देते हैं, है ना। लेकिन सेल्स में ऐसा होता है गाइस क्या कि अगर मैं 4 जगह बैठा हूँ, यानी कि 4 मैं पेरेंट्स के साथ बैठा हूँ, तो 4 जगह चांसेस होंगे ना कि मेरा कोर्स जो जल्दी जाए, है ना। अगर मैं 2 बंदे कर दूंगा, 2 बंदे 2 ही जगह जा पाएंगे। तो बायजूस इस सोच को रखते हुए ना अभी ज्यादा सेल्स में भी हाथ नहीं मार रही फायर करने के, बस उन्होंने कर दिया क्या है कि जो हमारे थोड़ा टारगेट्स होता है ना कि लाइक एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि रहने का, वो बहुत बढ़ा दिया, यानी कि बहुत पहले तो बहुत मिनिमम हुआ करता था कि देख बिल्कुल कोई छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा भी कर रहा होगा ना तो उसका भी हो जाता था, लेकिन अभी कंपनी ने एकदम ऐसा टारगेट सेट कर दिया है कि भाई अगर आप करोगे तो ही आप यहाँ पर रह पाओगे, अदरवाइज आपको टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। तो हमारे लिए चीज़ें अभी इस तरीके से हैं, मतलब जो हमारा डिपार्टमेंट है बीके डिपार्टमेंट, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है।
और क्या क्या इम्पैक्ट मेरी जॉब पे आए। पहला तो ऑब्वियसली बात है कि प्रेशर जो था, मतलब भाई उसमें तो ऑब्वियसली बात है स्टार्टिंग से प्रेशर रहता ही है, आप सभी जानते हो जॉब प्रोफाइल कैसी है। लेकिन अभी आप प्रेशर इंटू 10 कह सकते हैं या प्रेशर इंटू 50 भी कह सकते हैं कि जो प्रेशर अभी इस टाइम पे है एकदम इस तरीके का प्रोफाइल है। और प्रेशर इंटू 50 हो गया फिलहाल, बिल्कुल करेक्ट हो चुका है क्योंकि अभी कंपनीज अपनी टॉप है, मतलब समझ रहे हो ना कहावत, कंपनी बस अब उन्हीं लोगों को रखना चाह रही है कि जो भाई एकदम क्या कहते हैं टॉप वाला जो नॉच परफॉर्मेंस दे रहे एकदम यही होना चाहिए बस बाकी सब पढ़ना ठीक है। यानी कि ये टॉप है कंपनी ने बोल दिया कि भाई इतना इतना को करना है इतना नहीं कर पाओगे आपको डाटा वाबा कहना पड़ेगा विदाउट एनी PIP और ये फलाना ढिमाका ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं होगा कि आप जाओगे डायरेक्टली। और ऐसा भाई अब ऑब्वियसली बात है ऐसा नहीं है कि कुछ नाइंसाफी हमारे साथ हो रही है इसमें, कंपनी भी क्या करे, कंपनी सारे ऑप्शन हमारे सामने खोल दिया और वो चीज़ ना प्रॉपर उन्होंने मेल पे दिया, ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं अचानक से हो गया यार तो पता ही नहीं था तुम कर लेते, ऐसा नहीं है प्रॉपर वो चीज़ मेल पे है हमारे पास में कि इतना इतना आपको पर्टिकुलर करना है करोगे तो ऑब्वियसली बात है आप कंटिन्यू रहोगे अदरवाइज आपको जाना पड़ सकता है या 90% चांस है कि जाओगे जाओगे ठीक है। सेकेंड चीज़ अभी क्या चेंज हुई है, वीक ऑफ अभी चेंज हुआ है भाई जूस में। पहले वीक ऑफ हमारे दो हुआ करते थे मंडे एंड ट्यूजडे, एंड गाइस फ्रॉम दिस वीक जब मैं शूट कर रहा हूँ आज ट्यूजडे ही है जब मैं शूट कर रहा हूँ और इस हफ्ते सिर्फ 6 days वर्किंग हो गया है भाई जूस का ऑफिशियली ठीक है। अब कहने का मतलब क्या, सिर्फ एक वीक ऑफ हुआ करेगा हमारा, दैट्स ओनली मंडे ठीक है, मंडे वो सिर्फ वीक ऑफ, एक चेंज ये हुआ है। अब ऑब्वियसली बात है कंपनी ने भी एक अंदाज़ा लगाया होगा कि भाई हर बंदा एक दिन काम करेगा तो लाइक एटलीस्ट एक या दो जगह हो जाएगा। अब एक प्रॉपर सेंटर की बात ले लें वहाँ पे लगभग 5 बंदे भी हैं तो 10 लोग से वो मिल पाएंगे, ऐसे पूरा हम दिल्ली और दिल्ली NCR की बात करें तो हज़ारों में ये नंबर पहुँच जाएगा, सैकड़ों हज़ारों में कि जहाँ इतने लोग बैठेंगे तो उसमें से कुछ परसेंट चांस होंगे कन्वर्ट होने के। यानी कि जहाँ ट्यूजडे कुछ नहीं हो रहा था एटलीस्ट यहाँ पर चांस तो रहेगा कुछ होगा, ऑब्वियसली भाई उसका इंटेंशन है। अब गाइस अब ये देखना है कि मैं इसमें कब तक कंटिन्यू कर पाता हूँ गाइस, क्योंकि मेरी तो हालत एकदम खराब हो रही है, आप देख सकते हो बोला भी नहीं जा रहा एटलीस्ट क्योंकि ये देखो जॉब इतना हेक्टिक है ना तो एटलीस्ट 2 दिन का जो ऑफ होता है ना, अरे यार क्या कर रहे हैं, 2 दिन का जो ऑफ होता है ना गाइस, और एक्चुअली मैं ऑन द वे था ना ऑफिस के लिए, चलो कुछ नहीं हाँ मैं वापस आ रहा हूँ कि 2 दिन का वीक ऑफ होना यार एकदम कंपलसरी होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एकदम मैं तो एक्टिव जॉब है ना कि चीज़ें होता है एकदम तो यार प्रॉपर सोने में ही आराम करने में निकल जाता है और एकदम में हम काम करते हैं अपना जो डेली रूटीन का रहता है, लेकिन अब एक ही दिन हो गया है। बट देखा जाए तो बायजूस के अलावा मेरे ख्याल से और ज़्यादातर हाईटेक कंपनी जो एक दिन का ही वीक ऑफ ऑफर कर रही है, जैसे मैं एक्स्ट्रा मार्क्स की बात करूँ या स्केलर ऐसे बहुत सारी कंपनीज की बात करता हूँ तो मैंने सुना है उनमें, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि वहाँ पर भी सिर्फ 1 week ऑफ होता है भाई जो उसको उनकी लाइन पे आ चुकी है। तो सवाल अभी दोबारा फिर यही आता है कि कब तक हम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे, मेरी तो हालत हो रही है ख़राब। अब गाइस देखो 2 चीज़ें बस कंटिन्यू रख सकती मुझे यहाँ, पहला कि टाइम टू टाइम मेरा ना चीज़ें होती रहे, यानी कि जो मेरा जो कोर्स का क्राइटेरिया है वो होता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे वो ऑब्वियसली बात है गाइस सैलरी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है यहाँ पर, ठीक ठाक है बहुत अच्छी है, जो ऐसा नहीं कि कहीं और नहीं मिलेगी, मिल सकती है बट बड़े टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा वो। अब टाइम टेकिंग प्रोसेस जब हो जाता है तो आप समझ लो ना कि 1 महीने का ना डाउन चला जाता है, मैं नहीं चाहता 1 महीने का भी कहीं ना कहीं मेरा ज़ीरो हो जाए अकाउंट का सैलरी ठीक है। अगर चल रहा है तो ऑब्वियसली बात है हम चलाएंगे, ऑब्वियसली बात है क्या दिक्कत है यार, अब सब लोग करें तो हम भी कर लेंगे, लेकिन इन केस अगर नहीं हो पाता है क्योंकि यार सोचो ना कि अब देखो पहले चीज़ अलग थी, पहले क्या था कि हम लोग को ना पूरे दिल्ली NCR में लोग जाते थे तो हर लोग ना नहीं मिलते थे वहाँ पे, कि कभी नोएडा कभी गुड़गांव कभी फरीदाबाद ऐसे जाते रहते थे, लेकिन अभी वो सेंटर पे हो गया तो सेंटर के अराउंड गाइस जो पॉपुलेशन है वो तो लिमिटेड ही है ना, तो बेसिकली फिर यही रहता है कि देखो गाइस बोला गाइस तो जो पर्सन है वो तो लिमिटेड है जो उसके एरिया के आसपास है, लेकिन काम उन्हीं में कमें करना है क्योंकि ज़्यादातर लोग तो एडमिशन ले चुके हैं
उनमें से हमें और लोग को निकालना है, तो इसलिए गाइस ये काम थोड़ा सा और टफ हो जाता है कि वहाँ पे और एडमिशन उसके अकॉर्डिंग कराया जाए। तो प्रॉब्लम बस यहीं पर अटक रही है। तो गाइस चीज़ें सही चलती हैं तो हम चलाएंगे, देखो कब तक चलती हैं, लेकिन अगर नहीं चलेंगे तो गाइस मेरे ख्याल से ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि देखो ना यार, एक बहुत मैं कह रहा हूँ ना, प्रेशर इनटू 50 आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब समझ सकते हो कि बहुत तगड़ा लेवल हो गया है। अब समझ रहे हो कि जहाँ पे बायजूस में स्टार्टिंग में लोग आने में कतराते थे, कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे थे, वो तो मुझे पता था कि प्रेशर है, ऑब्वियस सी बात है, उसको मतलब हम लोग ले गए, जो मेरे साथ के हैं और मैं हूँ, पार करके ले गए और यहाँ तक आ चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि कब तक और इसको हम कर पाएंगे, क्योंकि इसके कंपनी का इंटेंशन एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है कि भाई हमने आपके लिए क्राइटेरिया सेट कर दिया है, अगर आप ये कर पाओ तो ठीक है, अदरवाइज आप ऑप्शन दूसरा चूज कर सकते हो, क्योंकि हमें तो भाई प्रॉफिटेबल दिखना है। ऑब्वियसली बात है, तो एज अ बिजनेस उनको तो प्रॉफिटेबल चाहिए ना, उनका मोटिव क्या है। तो गाइस अब वो किसी जो इन्वेस्टर्स हैं जो ऑलरेडी उनके इन्वेस्ट कर चुके हैं बायजूस में, उनसे और फंडिंग मांगने जाएंगे, अगर जा भी रहे हैं तो उनका रिप्लाई क्या रहेगा। ऑब्वियसली तो है भी मेरे ख्याल से कि भाई आपका पहले जो हमने आपके ऊपर पैसा लगाया है वो ऑलरेडी लॉस में जा चुका है, अब आपको नया पैसा, अगला पैसा क्यों दें। ऑब्वियसली बात है ना, आप उसको भी डुबा दोगे। तो उसके लिए गाइस ना वो दिखाना पड़ेगा कि भाई देखो, ये देखो आपने जो पैसा लगाया उसको हमने अभी प्रॉफिटेबल में कर दिया है भाई, जो प्रॉफिट में, तो हमें नेक्स्ट पैसा दीजिए। और गाइस नेक्स्ट पैसा नहीं, अगला फंड ऑफ राउंड नहीं है, फंडिंग राउंड नहीं आएगा, तो गाइस कहने की चीज़ें कम होती चली जाएंगी, आप समझो ना कि फिर चीज़ें बहुत वर्स हो जाएंगी बायजूस के लिए, मेरे लिए नहीं। सो गाइस ऑब्वियसली बात है, अगर मैं भी एज अ कंपनी की तरह होता या मेरा ही बिजनेस होता, मैं तो मेरा भी इंटेंशन यही होता। सो गाइस चीज़ें इस तरीके से अभी चल रही हैं फिलहाल बायजूस में, और जो तलवार की धार होती है उस पर फिलहाल अभी हम चल रहे हैं, तो थोड़ा भी पैर इधर उधर गया तो चांस है बिल्कुल टाटा बाय पे कहने के बायजूस को। अब अदरवाइज ये चलती रही तो सही, कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है अगर नहीं सही चली तो आने वाले एक दो महीने में शायद हो सकता है कि आपको न्यूज़ मिल जाए, मैं ही खुद वीडियो बनाऊं क्योंकि मैंने छोड़ चुका हूं भाई, जो इस तरीके से छोड़ चुका हूं, या फिर कंपनी जो है टाटा बाय बाय कह देगी। पर अफ इन केस गाइस मुझसे नहीं होगा तो मैं खुद ही बोलूंगा ना यार, मैं क्यों उतना वेट करूंगा कि कंपनी मुझे टाटा बाय बाय कहे, उसमें तो फिर बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहता है और चीज़ें ही बहुत नेगेटिव चली जाती हैं। सो होप फॉर द बेस्ट, हम तो ट्राई यही करेंगे कि जो वर्स्ट फेज है कंपनी का, जो बेकार वाला जो फेज़ है वो निकल जाए कुछ टाइम में। ऐसा बोला जा रहा है कि लाइक नवंबर तक ये लास्ट है, ये जो वर्स्ट फेज़ है उसके बाद चीज़ें स्मूथ होने के चांसेस हैं, ऐसा सुनने को मिल रहा है। मैं कंप्लीट नहीं कर रहा, मैं कन्फर्म नहीं कर सकता। सो मैं तो यही ऐसा करूँगा कि उस जो वर्स्ट वाला फेज़ है वो निकल जाए कैसे भी करके, और जो गुड वाला फेज़ है उसमें हम चले जाएँ और चीज़ें फिर से प्रेशर रहे, प्रेशर इनटू 50 ना रहे। बस यही मैं आशा करता हूँ गाइस। तो आई होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, जो बायजूस की कहानी आप सुन रहे होंगे आसपास के लॉस में है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या हमारी सैलरी क्या रहेगी, किस तरीके से रहेगी, कुछ इम्पैक्ट तो नहीं रहेगा, तो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दी हैं कि भाई बायजूस अगर लॉस में है तो आपकी जॉब पर उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, अगर आप ज्वाइन करने वाले हो बायजूस को तो क्या उसमें फ़र्क होने वाला है, चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ आपके जो ऑफर लेटर है, जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है उसमें ऑफिशियली मिल जाएंगी अगर आप ज्वाइन करोगे तो, या फिर जो ज्वाइन हो चुके हैं लोग उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और हाँ गाइस, जो इस अभी जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनकी सैलरी मेरे ख्याल से कम अभी बायजूस ऑफर कर रहा है, वो तीन कैटेगरी उन्होंने बना दी है, लाइक एक पाँच का भी है, एक पाँच से कम का भी मेरे ख्याल से, एक साढ़े पाँच का, एक सात का भी, सात जो ऑफर कर रहे हैं बहुत कम लोगों को ऑफर कर रहे हैं। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया का, जो कुछ नए लोग हैं प्लीज़ मुझे बताना कि किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो लोग जो सैलरी डिसाइड कर रहे हैं नई वाले। ठीक है, तो गाइस मैंने आपके सारे डाउट जो क्लियर कर दिए हैं, चीज़ें किस तरीके से रहने वाली हैं अगर आप ज्वाइन करते हो बायजूस में तो, और इस जो लॉस से आपकी जॉब पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यही इम्पैक्ट मैक्सिमम पड़ सकता है वही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप कमर कस के आना चाहते हो कि भाई एकदम कूदना ही है मुझे, एकदम जौहर होता है ना, जैसे आपने वो देखी होगी मूवी, अरे क्या खिलजी वाली जो मूवी थी जिसमें रानी ने जौहर कर लेते हैं आग में कूद जाते हैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए, मतलब ऐसा वो उनका रहता है। हाँ, पर वो उस जौहर में आपको इज्जत बचाने के लिए नहीं, आपको अपनी जॉब बचाने के लिए कूदना पड़ेगा, कहने का मतलब एकदम आप उस माइंड से आ रहे हो कि भाई नहीं करना ही है, पैसे ही कमाने चाहे जो हो जाए।
तो उसलिए आ रहे वाले, तो 100% आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि आपका इंटेंशन ही हो रहेगा। लेकिन अगर आप एक दो महीने बहुत जोश रहेगा, पंप रहोगे, लेकिन महीने के एंड में आते आते आपका जोश लूज हो जाएगा और आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, प्रेशर आपने बिल्ड कर लोगे अपने ऊपर, तो गाइस आई एम श्योर कुछ नहीं हो पाएगा, आपको महीने भर बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास लाइव एग्जांपल्स हैं, जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाइक विद इन अ मंथ भी जॉब छोड़ी है, विद इन अ मंथ, विद इन अ टू मंथ्स, और काफ़ी लोग ऐसे भी जो काफ़ी एक्सपीरियंस थे, लाइक 1+ ईयर का टाइम हो चुका था, किसी को 8 महीने, 9 महीने, 6 महीने, 5 महीने, उन्होंने भी छोड़ी है, फिर कंपनी ने टाटा बायबैक कहने को उनको बोला है, क्योंकि भाई ऑब्वियस ये बात है, क्राइटेरिया टेलिंग पे। सो लव यू गाइस ऑल, ऐसी सपोर्ट करते रहो, और आपको कुछ पूछना है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, प्लीज इस पर मुझे डीएम कर देना, रिप्लाई टाइम से कर दूंगा मैं, फिर भी कुछ इशू है कमेंट भी कर देना, वो भी रिप्लाई कर दूंगा, और बताओ और कैसे ये। और गाइस नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक्स मुझे सजेशन मिले हैं कुछ, जैसे कि लाइक रिज्यूमे कैसे बनाना है ना, उसके बाद एक चीज़ और थी लाइक जॉब कैसे फाइंड आउट करनी है, ये सब चीज़ों पे भी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। और आपका भी कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट में डाल देना या फिर डीएम कर देना मुझे इंस्टाग्राम पे, तो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो प्लान कर देना। गाइस लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।